नमस्कार दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो अनबॉक्सिंग है, रिव्यूज़ हैं, ये अपना काम नहीं है। एक्चुअली हमारा जो काम है सीएनसी प्रोग्रामिंग कोर्सेज से रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है। बट कभी भी अगर कोई फेक या फिर जेन्युइन चीज़ की बात आती है तो हम कुछ चीज़ों का रिव्यू कर देते हैं, ताकि आपको, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनको कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाए, पता लग जाए। कईयों को तो पता होता है मोस्टली को, पर कईयों को नहीं पता होता है। तो हमको ये लगता है कि हमको बताना चाहिए, तो कुछ चीज़ों का हम रिव्यू कर देते हैं। सो दोस्तों, आज एक्चुअली हम एक स्पोर्ट्स शूज लेने गए थे मार्केट में मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए। सो वैसे तो एडिडास वगैरह या फिर मतलब दूसरे जैसे उमा के शूज हैं या नाइकी के शूज हैं, वो लेने का विचार था। बट देखा वहाँ पर कि एक ब्रांड और भी है, ये है आपका कैंपस, ये कैंपस का ब्रांड है। तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं, इसको ले लेते हैं किस तरह का है। तो दोस्तों, आगे जो भी चीज़ें हैं जेन्युइन फेक, वो चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। इस तरह का ये कवर में मिला, ये इसका बॉक्स है दोस्तों, कैंपस लिखा हुआ इसके ऊपर, और यहाँ ऊपर आप देख सकते हो www.campusshoes.com, ये इनकी वेबसाइट है। और इसमें आप देख सकते हो इस तरह के ये शूज हैं, ये मॉर्निंग वॉक के लिए हमने ले रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एयर कैप्सूल लिखा हुआ है, मे बी इसका मॉडल हो सकता है ये। यहाँ अंदर की तरफ देखोगे यहाँ पर कैंपस लिखा हुआ है, मेमोरी टेक लाइट, और यहाँ पर आप देखोगे तो इसके ऊपर यहाँ पर कैंपस लिखा हुआ है। और यहाँ बैक साइड में जो इसकी स्ट्रिप है ये वाली, इसके ऊपर भी कैंपस लिखा हुआ है, और नीचे कहीं पर ब्रांड नहीं लिखा हुआ है। बाकी दूसरा ये सूज आप देखिए, इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है, ये देखिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एयर कैप्सूल। सो दोस्तों, ये है शू जो हमने लिया है मॉर्निंग वॉक के लिए। अब दोस्तों देखिए, एडिडास, आप में से कोई एडिडास ले रहा है, कोई नाइकी ले रहा है, कोई पूमा के ब्रांड्स भी ले रहा है, बहुत सारे ब्रांड हैं मार्केट में। वैसे ज़्यादातर एडिडास और ये दोनों ही चलते हैं, एडिडास नाइकी और पूमा के, वुडलैंड वगैरह के। बट वुडलैंड के जो होते हैं वो स्पोर्ट्स वगैरह में इतने ज़्यादा नहीं आते। सो दोस्तों, अब हमने ये लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्कैनिंग करने के लिए है। और यहाँ पर जो MRP लिखा हुआ है 1699 रुपीज़ लिखा हुआ है, और यहाँ पे बार कोड स्कैनर और QR कोड स्कैनर दोनों लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पाल जनरल स्टोर, ये हमने इस शॉप से लिया हुआ है। इन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ प्लस, मतलब ये मॉडल नंबर है, ये मॉडल का नाम है नॉर्थ प्लस सू के। और यहाँ पर देख सकते हो MRP 1699 और नेट प्राइस 1360, मतलब 1360 इसकी नेट प्राइस है। सो हमको ये इतने का ही पड़ा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि आप नेगोशिएबल प्राइस कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर उनका जो रेट है वो फिक्स ही होते हैं। सो दोस्तों, ये आपने देख लिए शू, और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसके ऊपर बार कोड लगा हुआ है उसको जब आप स्कैन करते हो, चाहे एडिडास का, चाहे पूमा का, चाहे नाइकी का, तो जब आप स्कैन करते हो, स्कैन हो जाता है और वहाँ पे वेरिफिकेशन आ जाता है कि हाँ, आपका जो ब्रांड है, आपका जो शू है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो जेन्युइन है या फेक है। अगर जेन्युइन होगा तो दिखा देगा वहाँ पे, अगर फेक होगा तो नहीं आएगा वहाँ पे। लेकिन इसमें क्या है कि दोस्तों, अगर हम इसको, अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये जो ये है ना, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, इसको मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। तो देखा दोस्तों आपने, ये जो बार कोड स्कैनर है इसको हमने स्कैन किया, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है वो प्रोडक्ट का हो गया।
तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि अगर हमने इसको स्कैन कर लिया, वेरिफिकेशन सही आ गया, तो क्या आपको क्या लगता है ये जेन्युइन है? ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ये फेक भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एडिडास के लेते हो वो भी फेक हो सकते हैं, अगर उसमें बार कोड स्कैनर है और या क्या QR कोड स्कैनर है। क्या होगा देखिए दोस्तों, जो इसके ऊपर ना ये देखिए ये बार कोड है और नीचे QR कोड है, तो इसको पूरी तरह से क्या करते हैं जो लोग फेक काम कर रहे हैं मार्केट में, ज़्यादातर तो फेक काम ही चल रहा है, वो क्या करेंगे, जो कंप्यूटर का प्रिंटर होता है जो स्कैनिंग भी करता है, स्कैनर के ऊपर रखेंगे, स्कैन कर लेंगे, डिट्टो इस तरह का बार कोड और QR कोड प्रिंट कर लेंगे, 100, 200, 500, 1000 जितना मर्जी, फिर वो फेसबुक पे ऐड डालते हैं, सेलर बनके वो फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, वहाँ पे बेचते हैं माल अपना, वहाँ पर अपनी चीज़ें बेचते हैं। और जब आप उसको स्कैन करोगे तो वो तो आएगा ही आएगा वहाँ पे जेन्युइन, लेकिन आपको क्या पता कि उसने एक ही बार कोड, एक ही QR कोड को कितनी बार कॉपी कर रखा और सभी में उसने वही पेस्ट कर दिया। आप सबके पास थोड़े जाओगे देखने के लिए कि तेरा भी बार कोड वही है, तेरा UID कोड सेम है क्या। सो दोस्तों ये चीज़ बतानी लाजमी थी कि कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी शोरूम में, बड़े शोरूम में, मॉल में, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो चीज़ दी जा रही है उसमें QR कोड है, बार कोड है, तो उसको स्कैन करके अगर जेन्युइन का आपको नोटिफिकेशन आ गया, इसका मतलब जेन्युइन ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये देनी लाजमी थी दोस्तों आपको। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।